हमें भी इस प्रकार से ज्ञात हुआ है कि चित्तौड़ में जो जन भावनाओं को ध्यान में न रखते हुए और एक बाहरी व्यक्ति को पार्टी टिकट दे सकती है, इस प्रकार का निर्णय होने की सूचना हमें भी है। तो इस प्रकार की सूचना आती है, जितने भी हमारे क्षेत्र में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, सब में इस सबको इस चीज से बहुत आघात पहुंचा है और सब ने अपने सामूहिक इस्तीफे हाईकमान को भेज दिए। कारण तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बहुत ज्यादा हमको आघात इसलिए पहुंचा है कि बिना किसी कारण से इस प्रकार का निर्णय किया जा रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जो 2013 में बेगू विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसे पार्टी ने निष्कासित किया था, उस व्यक्ति को जिसका चित्तौड़गढ़ विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति को एक इनाम दिया जा रहा है और चित्तौड़गढ़ भेजा जा रहा है, जो आज तक कभी किसी पार्टी कार्यक्रम में पिछले 15 वर्षों में 20 वर्षों में चित्तौड़गढ़ में सम्मिलित नहीं हुआ है, जिसका पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं है, जिसका कोई धरातल पे कोई नामो निशान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भेजे जाने के संकेत हमें मिल रहे हैं। इस्तीफा दे रहे हैं सभी पदाधिकारियों ने, इस्तीफे दे दिए हैं और जो एक दो पार्षद जो यहाँ मौजूद नहीं थे उनको छोड़ के सभी पार्षदों ने इस्तीफे दे दिए हैं, सभी पंचायत समिति सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए हैं, समस्त मंडल अध्यक्ष हमारे 11 मंडल अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफे दे दिए, दोनों ब्लॉकों के अध्यक्षों ने इस्तीफे दे दिए, मैंने इस्तीफा दे दिया, उपसभापति जी ने इस्तीफा दे दिया। हमारी जो भावना थी हमने लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी हाईकमान के पास भेजी है, अब निर्णय जो भी पार्टी का जो निर्णय होगा उसके बाद जो हमारे क्षेत्र की जो जनभावना होगी उस जनभावना के अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसीलिए जब कार्यकर्ताओं को आघात पहुंचा है कि सद्य जो हमारे उदयपुर का चिंतन शिविर हुआ था और जो पार्टी के जितने भी निर्णय हुए उन सब में यही मैसेज दिया गया कि जो भी सर्वे में सबसे प्रथम होगा, जिसकी क्षेत्र में पकड़ होगी, उसी को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जिसने न तो आवेदन किया है, न उसका सर्वे में कहीं नाम है और न उसका कोई क्षेत्र से जुड़ाव है, इसीलिए कार्यकर्ताओं का मन दुखी है और हमने दुखी मन से हमारी भावना हमारे हाईकमान को